मुंगेर में गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल के पहुंच पथ के निर्माण कार्य को जमीन अधिग्रहण के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने फिर से रोक दिया है। हालांकि NHAI ने दावा किया था कि गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल के पहुंच पथ के निर्माण कार्य की हर रुकावट दूर हो गई है, परंतु आज NHAI का यह दावा झूठा नजर आ रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन ने किसानों की जमीन को बिना अधिग्रहण के ही उनकी जमीन पर काम शुरू करवा दिया है, जिससे किसान काफी उग्र हो गए हैं और अपने आप को छला महसूस कर रहे हैं, जिसके अधिग्रहण से लगभग 200 परिवार विस्थापित होंगे। इस मामले को लेकर सदर अनुमंडलाधिकारी खगेश चंद्र झा ने किसानों से वार्ता कर निपटाने की कोशिश की, पर सब बेकार साबित हुआ। अब वर्षा शुरू हो गई है, समय पर खेत नहीं जोतेंगे तो साल भर क्या खाएंगे, इसलिए अब ये किसान मरने मारने पर उतर आए हैं। सनमार के लिए मुंगेर से इम्तियाज खान की रिपोर्ट। हम किसान अपनी जमीन के मुआवजा के लिए शुरू से ही लड़ाई लड़ रहे हैं जी। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि सुशासन की सरकार जनवरी में खड़गपुर में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के उद्घाटन समारोह में घोषणा किए थे कि हम मुआवजा देंगे हर हालत में किसान को, हम पूरा विश्वास करते हैं कि हमको मुआवजा मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे पदाधिकारी टालने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। आज तक हमको सकारात्मक पहल नजर नहीं आ रहा है। हम तक में हो रहा प्रशासन पदाधिकारी सरकार के सरकार ये किसान के साथ छलने के काम कर रहा है, ये हम लोग के साथ किसानों के साथ आश्वासन देते हुए आश्वासन को जो है ना ये अब नहीं कर रहे हैं, हम लोग के साथ छल वाला काम कर रहा है। कमिश्नर एवं किसानों की बैठक में कमिश्नर के द्वारा यह आश्वस्त किया गया था कि हम 3 पिलर का ही निर्माण करेंगे, उसके बाद भुगतानोपरांत ही विवादित जमीन पर हम निर्माण कार्य करेंगे, परंतु प्रशासन के द्वारा बार बार आश्वासन देने पर हम किसान भाई मुंगेर के विकास को ध्यान में रखते हुए आज 8 पिलर पर काम करने दे दिए। कल 9वां पिलर पर गाड़ने आया था, जिस काम को हम लोगों ने अवरुद्ध कर दिया है, 50 साल से ऊपर चला आ रहा है, उसको सिविल कोर्ट को ही पावर है कि उसको निरस्त कर सकती है, परंतु बिहार सरकार मनमाने ढंग से उसको जमाबंदी को निरस्त कर रही है और इसको सरकारी भूमि मानते हुए किसानों को एवं विस्थापित होने वाले परिवारों को मुआवजा से वंचित कर रही है। ना मानी गई तो हम लोग इस कार्य को अवरुद्ध करेंगे तथा हर कुर्बानी देने को हम लोग किसान और विस्थापित परिवार तैयार हैं। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।